رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا حجاب أم المصائب أدركني بحق يا إليو أدركني في سبيل الله ناد عليا مظهر العجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي يا أبا الغاص أغثني يا ولي الله أدركني بحق لطفك الخفي وبحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد خاندان تطہیر دی عزت تے صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نو جتنا مقروض ہے ولایت علی سمجھ دیں اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھ لیں اللہ حقیقی آیت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا اقتدار ہدایت دے تاجدار آخر باقی کائنات ولی زمانہ دے ظہور دی تاجیل دی خاطر بھی زحمت کرو ذکر صلوات دی تلاوت فرماؤ تھوڑا میک دواز کھلے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب المبين ذلك الكتاب لا ريب فيه صلوات گواہ خلق عالم شاہ نجف دی عزت دے صدقہ حاضرین دی اس عظیم عبادت نو قبول فرماوے جتنے آباب اس جنت الحسین چل کے آئے ہو اللہ تونوں ہر قدم دے اجر جزیل عطا فرماوے قرآن مجید سورہ بقرہ دی آیت پیش نظر ہے حمد ہے اس پروردگار عالم دا جس نے تیرے اور میرے کشکول مقدر وچ محمد دی وراثت دا وارث علی رکھے توجہ ہے میری گزارش تے محمد دی وراثت دا وارث علی رکھے چلو میں دوسرے الفاظ دے لبادے چ قادر مطلق دی حمد ادا کرنا چاہتا حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس اللہ نے ساڈی اور تھواڈی کھوپڑی دی جھونپڑی چ علی وسا چھوڑا ہے اللہ اکبر سلامت رہو چودھری صاحب دعا فرماونا کھوپڑی دی جھونپڑی چ علی وسا چھوڑا ہے کچھ بندہ نے داد تحسین دیتی ہے
काफ़ी आबाब शायद हैरत दे शिकार हैं। चलो उन्हें हैरानगी दूर करने वास्ते मैं जबान मुस्तफ़ा जो तिलावत की तो फरमान पढ़ छोड़ा। बिरादर जुमला काबिल तवज्जो गल मेरी नहीं, तेरे मजहब शिया के बहुत बड़े आलम दीन हैं आगे मराशी, उन्हें किताब आकाकुल हक, उस किताब के अंदर उन्होंने जुमला तारीर किया कि सरकार मुहम्मद मुस्तफ़ा की निगाहें नबूवत वजहुल्ला दे चेहरे ते पई है। थोड़ा जितना बुलाए इतना बुलाए किरामन कातिबीन लिख गिनन जो हक की ताईद करेंदे बैठे। जुमला काबिल तवज्जो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब दे चेहरे दी ज़ियारत की थी नबी, उतई मेरे नबी आमद मुहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने बिरा अली को खिराज अकीदत आखा या खिराज मवद्दत आखा। चौधरी साहब मैं आज तक फैसला ना कर सका या एक खिराज हकीकत आखा। जुमला काबिल तवज्जो नबी ने अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाए कि या अली मन मशा अलल अर्ज़े फहुवा युबग़िज़ुका फद्दुनिया अलैहि हरामुन। सुल्तानुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा फरमैंदन के या अली जेड़ा बंदा तेरा बोग्स दिल च रख के जमीन ते चले उंदा जमीन ते चलोनी हराम है, उंदा साह गिनोनी हराम है। शाबाश शाबाश आली आली हाथ ऊंचे हैदरी, क्या कमाल है वली है जमाना तोरे ते राजी रावे। चलो तो दादे तहसीन है जेड़े बंदे बोल पे हो सलामत रहो, क्योंकि हर बंदे दे इश्क दी नीति ही नमाज है। जेड़े बोले उन्होंने जोक के समात इजाफे की खातिर, ये हकीकत है जो मैं पहली दफा तोरे को लाया खड़ा, लेकिन मिंबर ते आवन दा मेरा पहला चांस नहीं। तवज्जो है मेरी गुजारिश थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हौजा इल्मिया कौम में रह के दीन आले मोहम्मद पढ़ने के बाद ही अली दी वकालत शुरू की थी। मैं कोई 6 किताबों का राइटर ही हाँ, तो कम अज़ कम 4 मुनाजरों के मुनकर अली नो मैं नसाई है। थोड़ा जितना चेक कर लवें नेट के उत्ते मुनाजरे विलायत लिखे बंदे अकीर का तारफ कुछ नहीं, मुख्तार हुसैन कुमी रिलेटेड हाँ, मैं सैयद आगा अली हुसैन कुमी ना मेरे बुजुर्ग मेरे उस्ताद इन। तवज्जो है मेरी गुजारिश थे सामीन मोहतरम, मैं कि जेड़ा बंदा बोले उसको दादे आफरी ने, जेड़ा नहीं बोला चलो हवाला पहले सुन। किताब का नाम है सवाबुल आमाल। मैं उस मुनाजरे का जिक्र किए ना 3 घंटे 56 मिनट, बाबा जी मुनकर विलायत अली मेरे सामने बैठे ते 3 घंटे 56 मिनट जब मैं मुनकर विलायत अली को अली मनवाए ना, मैं कहा तो मुख्तार कुमी गलत जवाब दे, इतने बड़े हवाले ते याद कि तू कीते, मैं क्या अकल का इलाज कर, तू आए बैठे अली की मुखालफत है। आए मेरा अल्लाह, अल्लाह करे अली का नौकर बोल पवे, मैं क्या तू आए बैठे अली की मुखालफत है, मैं आया बैठा है करार दी हिमायत है ते 14 दा फरमान नहीं पढ़ा। सही फरमादन जद सादी हिमायत है थारी जबान बुलेंदी है वत जबान थारी होंदी है कलाम अस 14 दा होदे। क्या कमाल है क्या कमाल, ये आली आली हाथ ऊंचे हैदरी। जुमला काबिल तवज्जो है वली है जमाना तोरे ते राजी रहे, कम अज कम चेहरों के उत्ते मवद्दत निखरी हुई होनी चाहिए है, क्योंकि अली दे फज़ाइल चेहरे को खुश रखना 6 महीने की नमाज है तहज्जुद तो अफजल है। किताब का हवाला मैं पहले दिता सवाबुल अमाल लिखने वाला शेख सद्दूक है, फरमान तेरे 7वें इमाम दे सरकार फरमान जेड़ा बंदा अली दी दुश्मनी दिल च रख के मुसल्ले ते कदम रखे वो नमाज शुरू कर दे अल्लाह लानत भेजना शुरू कर दे। क्या कमाल है, वो गल देने चाहती पई है फरमान दे बगैर गल ही नहीं। हकायत की तर्जमानी हवाला पहले बारगाह तौहीद सवाल करूं या रब्बुल आलमीन मुसल्ले ते आए तेरी खातिर हालत कयाम च आए, थोड़ा जितना हाल है हालत कयाम च आए, बाबा जी तेरी खातिर सजदा रकू की तस्तरी खातिर ओ तेरी बंदगी करें दे।
آیا میرا اللہ او تیری بندگی کریں دے تو لانت بھیجیں دے وجہ کیا ہے عزت حیدر دی قسم ہے حجاب وحدت جو آواز آسی کہ جس عبادت میں علی نہیں ہے ہوئے 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 میں اللہ اس عبادت تے لانت بھیجینا اس عبادت تے لانت بھیجینا جے عبادت تے علی نہیں چلو یار ایک اور حوالہ سن لو کتاب دا نام مستدرک الوسائل حوالہ نیٹ ممبر دی بلندی تے جے کو چاہیے آتے چیک کرے او دور گزر گئے جڑے مولوی بکسے کتاباں دے لوڈ کر کے اٹھاں تے رکھ کے تیرے کول آندے ہیں ہن جدید دور ہے اے 20,000 کتاب تو میں جیب وچ رکھ کے پھردا کیونکہ تائیں منکر ولایت علی نال ٹاکر تھی ونجے تو وہ علی دے نوکر نو پشمانی چودھری صاحب نہ تھی وے کتاب دا نام مستدرک الوسائل توجہ کرنا حوالہ چیک کر ممبر تے آ پڑھ توں ترجمہ میں تے کو کر کے لیندا عزت حیدر دی قسم ہے جلد نمبر ہے ایک صفحہ نمبر 168 لکھن والے مرزا نوری ادے حیدر قرار دا جناب کمبر دے نال مسجد کوفہ جو گزرتی ہے جناب کمبر دی نگاہ پئی ہے ایک نمازی تے اللہ اکبر او بھائی تھوڑا جتنا بولو تو صحیح نا جناب کمبر دی چلو یار تو ذکر چ بہ کے ساتھ گندا بیٹھے نا جڑا بلیندا بیٹھے ہوں کو تو داد تحسین میں تازہ کربلا و نجف دو ظاہرا کوئی ہفتہ ڈا ڈیڑے پہلی میں واپس آیا اتو ایک نجفی عالم دین نے جملہ پڑھے کہ جڑا حیدر کرار دے جوار چ ہک رات گزارے ثواب ہے 400 سال دی عبادت دا آیا میرا اللہ شالے ہاتھ شاہ نجف دی زرین الماس ہوئے جڑا بلند ہو رہے توجہ ہے میری گزارش دے اون نجفی عالم دین دے بعد بندے حقیر ممبر تے آئے میں ہی پڑھنا آئی میری خیال اچ تصور کدے دے وچ متواتر یہ حقیقت گونجی ہے کہ اے ثواب تو نہ واسطے جڑا جوار امیر المومنین چ ہن اس سینکڑ سالاں دی عبادت دے ثواب تو اساں تے محروم ہے یا اچانک میرے ذہن دے وچ کتاب آئی ہے کتاب دا نام الکترا لکھن والے احمد مستنبت قول حسن بن زکران دا او دے میں کو نہیں پتا جتھے علی تے علی دے پتراں دا ذکر تھی وے اللہ کرے تو اتنا بولے جتنا تیرے علی نال تعلق ہے ناطق کنٹیکٹ ہے او دے میں کو نہیں پتا جتھے علی تے علی دے یارہ پتراں دا ذکر تھی وے اونچ بولن والے دا ثواب کتنا ہے آیا میرا اللہ اللہ کرے علی دا نوکر دا سر نہ ہلے او دے میں کو نہیں پتا بولن والے دا ثواب کتنا ہے انہاں نے فرمایا جتھے ذکر تھی ہے بندہ ہوں جاتے بیٹھے 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 اس بندے نے ذکر علی اچ سا کتھے اوئے ہوئے ہوئے کیا کمال ہے ولی زمانہ راضی رہے سا کتھے ترازو ہاتھ اچ پکڑے 100 سال دی عبادت دا ثواب ترازو دے ہک پلڑ اچ رکھے علی دے یارہ پتراں دے فضائل اچ بیٹھ کے جیڑا ہوں سا کتھے ہوں کو ترازو دے دوچھے پلڑ اچ رکھے حسن بن زکران دے 100 سال دی عبادت دا ثواب گھٹے ذکر علی اچ گدی ہوئے سا دا ثواب زیادہ ہے کیا کمال ہے اے علی علی ہاتھ اوچے حیدری چلو اتنا تک تو جملہ سنے میں تو کو داد تحسین دینا آفرین ولی زمانہ تو رہتے راضی راوے بڑے عزت دار لوگ میرے سامنے تشریف رکھ دیں ان پنچایت تیری کچہری تیری مفتی توں جج توں برادر جملہ قابل توجہ یار بندے چار بندے نہیں محفلیں جی بول پوندے نا کم از کم ویسے چار بندے دی محفل چ بولن واسطے جرت چاہیے تے علی ہر زبان تے نہیں آندا ہائے 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 کیا کمال ہے ولی زمانہ راضی راوے ہن میں کہ پنجے تیری فیصلہ میں تو کر کے دے جین دے ذکر چ گدا ہویا سا 100 سال دی عبادت تو ہے افضل
मैं जुमला फिर दोहरांदा पिया, शायद बखर च आवण दा मेरा मकसद ही मुकम्मल है। अगर तैं इसे सत्तर दे उत्ते मैको अपना इंसाफ फराम कर दिता, वली ये जमाना तोड़े ते राजी रावे, ज़ेन मुख्तार घूमी आले पास रखे, बाबा जी कायनात छोटी है, बतूल दी दहलीज दे, नौकर दी ज़बान चो निकलण वाला जुमला पढ़े कि अगर अली दे फज़ाइल च गिद्दो ऐसा सौ साल दी इबादत तू अफजल है, उससे अली दा ना तेरी इबादत च आवे तो इबादत नू बातल कर छोड़े दे। हाय मेरा अल्लाह, क्या कमाल है, क्या कमाल है। भाई तू कितू अली को कट से, मैं ए मुस्तदरक अली रिवायत तो पढ़नी है बाद जेन च रखा है, मत मैं बयान दी तेजी च सलालत बयान च मत मैं अगर निकल वजा तो रिवायत न सुनावा। ये रिवायत बाबा जी चौधरी साहब अजीम ही इतनी है, तवज्जो है मेरी गुजारिश से, ख्याल नाल अली को कड, अली दी इतात उंदी इतात है, अली दी विलायत अल्लाह दी विलायत है। अल्लाह अकबर, पता नहीं अली ते जली दे दरमियान कंटेक्ट क्या है, बिरादर नाता क्या है, ताल्लुक क्या है, बर्दाश्त है। हवाला पढ़ छोड़ा, किताब का नाम मिकयालुल मकारिम, लिखण वाले मुहम्मद तकी इस्फहानी, ये वो किताब है जहाँ ना तेरे वक्त की हुज्जत रखे। इमाम जमा बिरादर अज्जलल्लाहु शरीफ ने इस किताब का नाम बाबा जी रखे, उन्होंने उस किताब के अंदर बयान किए जो अली दा जली नाल कंटेक्ट किया है। मैं को नहीं पता खरीदार कौन है, मेरे काम मिंबर दी बुलंदी तो आले मोहम्मद दी शान तिलावत की तो फरमान पढ़ने बर्दाश्त दी खैरात मैं ना तकसीम कर रहा। अल्लाह करे अली दा हिक नौकरी बोल पवे, मेरा पढ़ने काफी है, कंटेक्ट क्या है। आदे खतीब अजल ने मिंबर सलूनी ते बैठ के जली नाल अपना राबता दस है कि लना माल्ला है हालातुन इज नहनो होवा व होवा नहनो 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 व होवा होवा। अल्लाह दे नाल अली का राबत ही कुछ ऐसा है कि कभी हम वो, आयो मेरा अल्लाह, कभी वो रहता है हम रहते हैं। हम रहते हैं, वो रहता है। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल लेती है इस गल नु समझावण वास्ते। बिरादर उन्होंने आके कि कदाई आगे च लोहे नु गरम थींदा रिठे। मेरा ख्याल है मैं मुश्किल मिसाल दे खड़ा, मुश्किल मिसाल तो नहीं ना बुजुर्ग, तुम दुआ करो जवानों को मैं जबरदस्ती दाद गिन नहीं, मैं अली खड़ा पढ़ता ना, तवज्जो है मेरी गुजारिश होते, चूंकि बज में मवद्दत है। ओ फरमाने के लोहा आग दे असर नु कबूल करके सुरख थी वेंदे। हाय मेरा अल्लाह, हाय मेरा अल्लाह, पता नहीं ना सत्र ते कौन बुलेंदे जेंदे ख्याल कम अज कम मौलवी दे ख्यालात दे पिंजरे दा कैदी है, तो समाज दे दरीचे बंद कर लवे। उन्होंने फरमाए कि लोहा आग ते गरम थी के सुरख हो के आग दे असर नु कबूल करेंदे लेकिन आग आग रख दिए। आयो मेरा अल्लाह, क्या कमाल है, इन हाथों नु सलाम है, लोहा लोहा रांदे जा मिंबर दी बुलंदी ते खड़े होके मुख्तार कुमी आलमाना जिम्मेदारी नाल चैलेंज कर रहे है कि चौदह को बशरीयत दी चार दीवारी च महदूद न कर। ये हस्तियां तेरे सोच च आवण वालियां नहीं बल्कि ओ हस्तियां जिन्होंने असर तौहीद अपने हया के लिए बशरीयत घिन के जमाने को दसे कि उसका तारफ कराने वाले हम चौदह हैं। ओए होए 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 क्या कमाल है। आली तवज्जो है मेरी गुजारिश से, घबराहट कैसी अली बुलेंदे, तवज्जो
पता नहीं नाम में जाजबीयत कितनी है। जैसे मिजाज का तकाज है ना, हत्ता नू बगल दे पिंजरे दा कैदी बना के अली बोलना ना बोले। अली बंदे दा मोहताज ही नहीं, अली ओ इसमें जेड़ा लिसाने तो हीते आए। बाबा जी इजाजत दियो ई रिवायत दे पढ़न तू पहले एक और रिवायत पढ़ छोड़ा, क्योंकि मैं को तकरीर याद करके ना आया जिथे मैं तकरीर करनी। अचानक थोड़ा जो के समात ही मैं को मजबूर खड़ा करें दे। किताब दे रहे मशारे को अनवार यकीन लिखण वाले अलामा रजब बुरसी। दूसरी किताब दे नाम है सफीनतुल बिहार, लिखण वाले अली नमाजी शाहरुदी। तीसरी किताब दे नाम है बिहार उल अनवार। किरें ढेर किताबों का नाम सुन के बेहोश तो नहीं थी गए, चलो वली ये जमाना तो रते राजी रावे। त्रै किताबां बुजुर्गो, त्रै किताबां अमीर कायनात अली अपने अबी तालिब मिंबर दे उते जलवा फरोजन सामने बैठे जनाबे अमार। मेरे आका ने पूछे अमार कदे सोचे ही अल्लाह ने एक कायनात की में बनाई है। आय मेरा अल्लाह क्या कमाल है यार, वली ये जमाना राजी रावे। अल्लाह ने कायनात की में बनाई है भाई, कायनात च लह भी है, कायनात च कलम भी है, आफ्ताब भी है, महताब भी है, गौस भी हैं, अब्दाल भी हैं। अली मनन वाले हैं, अली दा इनकार करने वाले भी हैं। जनाबे अमार ने के फरमाया ने मौला मैनू क्या पता जो अल्लाह ने कायनात की में बनाई है। मुख्तार कुमी को इस तो वड़ी जमानत ही कोई नहीं। ए मैं अब्बास दे आलम को हाथ च घिन के रिवायत पढ़ना चाहना ताकि कोई बंदा शक घिन के ना उठे। अगर मैं रिवायत गलत पढ़ा मेरी जबान जहन्नम दा ईंधन बने। मैं को मरदे टाइम कलमे विलायत अली जबने अभी तालिब नसीब ही ना होवे। मैदान माशर च मेरा शुमार लश्कर यजीद नाल होवे। जो अगर मैं रिवायत गलत पढ़ा उदे बाद अगर तू ना मन अपने अकीदे का मातम करके जरूर जावे। जद अमार आखे ना जो मौला मैनू क्या पता जो अल्लाह ने कायनात की में बनाई है। मुर्शिद अली फरमान बेइस्मी तकवनतिल कायनात। अमार जब अल्लाह ने इरादा किया कि कायनात बनाऊं अल्लाह अली अली करता गया, कायनात बन दी गई। अल्लाह अली अली करता गया। अल्लाह अली अली करता गया, कायनात बनती गई। हाय मेरा अल्लाह, अल्लाह अली अली करता गया। अच्छे को अली बर्दाश्त नहीं, जड़ा अली दे फजाइल इख्तियारात कमाल अली दी एजाज किबरियाई नहीं सुन सकता। उस सकीफे दी झुग्गी वाले पास टोर वजे उनको कैडी जरूरत है साहिबान गद्दीर दे तले आवण दी। जे गद्दीरी परचम तले आ गए, गद्दीरी खेमे तले आ गए, वत अली को मन अली को सोच नहीं। हाय मेरा अल्लाह, हाय मेरा अल्लाह। जिन्ना सोचा जिन्ना अली च इनकार किया उन्हें हशर ही अजीब थी है। किताब दने अल खराज वल जरा है, लिखण वाले अलामा रावंदी। मस्जिद कूफा दक्कतुल कज़ा मिंबरे अबजद शहर बतूल। हाय मेरा अल्लाह, वली ये जमाना राजी रहे। तेरे मुर्शिद अली ने एक फैसला किया है, मजमे च एक बंदा खड़ा थे है वो कि या अली जेड़ा फैसला तुसी किया है ये हक नहीं किया, खिलाफ हकीकत फैसला है। बस अमीर कायनात ने सुने ना जो तुसा फैसला गलत किया है। मिंबर दे तकद्दस दी कसम है चेहरे जुल जलाल ते उंदा जलाल जलवा करती है। मैं तो जुमले ही दे सकदा, मेरी बामारफत लोगों नाल गुफ्तगू है। वली ये जमाना तो रहते राजी रावे। इतना तक अमीर कायनात अली अपने अबी तालिब अली दी अदालत शक करन वाले नु बजर को खिताब करके फरमान के लाओ तखसल कल्ब। कुत्ता भौंक नहीं अली आदले, ओए होए होए हाथ सलामत रावे। वली ये जमाना दी ना लैन नल मस होवे जड़ा बुलंद हो रे। कुत्ता भौंक नहीं अली आदले, चश्मे फलक ने तमाशा डिठे डूवल नहीं भला को मुश्किल कर ली चार वाला बने
अच्छा बाबा जी जुमला काबिल तवज्जो बिरादर, तेरे मुर्शिद अली ये नहीं फरमाया कि कौन कालबन कुत्ता हो जा, अली फरमाया ला तखसल कल्ब, खड़े खड़े बंदे को फरमा रहे हैं कि कुत्ता भौंक नहीं। हाय मेरा अल्लाह, हाय मेरा अल्लाह, वली ये जमानत और तेराजी रावे, अली दे हिक जुमले ने उस दा उनसर जाती तब्दील कीते, कुत्ता बने कूफे दिए गलिए टुरे, दो चार बंदे पिछू टुर पे न देखा जिस नाल बनदी किया है। अचानक कूफे दियाँ गलियाँ च दाखिल दिए, देहात दे लोग इस हकीकत तो बखूबी आगाह हैं कि जब एक बस्ती च देहात च नवी वरायटी का कुत्ता दाखिल थी वे पहले वाले संगीन इस्तकबाल करें दे, तवज्जो है मेरी गुजारिश दे, ये जो ही कूफा दिया गलियाँ दाखिल थे कूफा दे पहले कुत्ता ने तो संगीन इस्तकबाल करना शुरू किए, किसे कन पटेन आए मेरा अल्लाह, किसे चेहरा किसे पेट कोई टांगे च पिए ते कूफे दे लोगों ने डिठे ना जो लहू लुहान कुत्ता किसे बट्टा किसे सलोका किसे काठी किसे लाठी मारी है, कुत्ता जख्मी थी के लहू लुहान हालत घर के दरवाजे ते है, इसकी बीवी चूल्हे ते बैठ के रोटियां थप रही आई, या अचानक उसकी बीवी की निगाह बिरादर लहू लुहान कुत्ते ते पई है, उसने जल्दी दे नाल रोटी वाला पेड़ा रख के लित्तर च हाथ पा के एक मारन का इरादा किया, वो जेड़े पीछे आ रहे हैं उन्हें के मैं ठहर 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 न मारे, वहाँ के क्यों ना मारा, लहू लुहान कुत्ता मेरी हवेली जागी है, वहाँ के कुत्ता नहीं तेरा शहर है, वहाँ के मेरा शहर कि नहीं अली को भौंक के तो नहीं आता पिया सलामत रहे मेरी गुजारिश है इस बात दे तिलावत करन दा मकसद है जेड़ा जिस रंग ची अली दा इनकार कीतस भावे जो बशरीयत दे लिबाद च क्यों नहीं कुरान दे कल अनआम बल हुम अज़ल कि ये हैवानात की माने दे हैवानात से भी बदतर है। अल्लाह अकबर तफसीर अती अबुल बयान ने दी तफसीर लिखी है कि हैवानात तू बदतर हो जिंदे कोल अली ते अली दे पुत्र बर्दाश्त नहीं, तवज्जो है मेरी गुजारिश ते, चलो हुण तेरी यकीन दहानी वास्ते मैं रिवायत पढ़ छोड़ा जिस रिवायत की खातर मैं तेको तकलीफ दी है, मिंबर दे तकद्दस दी कसम खुशकिस्मत है वह बंदा जेंदी खोपड़ी दी झोंपड़ी च अली दा बसेरा है, तवज्जो है मेरी गुजारिश ते, कुरान वो है जेड़ा चौदह दी जबानी जी दी तफसीर तई है, मैं तो किबला साहब ने पहले आसन अंदाज गुफ्तगू फरमाई है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी दी तफसीर कीती ने, जहाँ तक सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं एक किताब तो मुराद केड़ी किताब है जेंदे शक कोई नहीं, आए मेरा अल्लाह, मैं इस दी खातिर कुरान दी आयत पढ़ी है, सादिक आले मोहम्मद ने तफसीर साफी दे अंदर अल्लामा फैज़ कशानी ने लिखा है जो सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं किताब अलीयन ला रैब फी, एक किताब तो मुराद अली है जेंदे अंदर शक नहीं कीता जा सकता। अल्लाह शक करण लगी थी कोई चीज ही कबूल नहीं, और रिवायत जड़ी पेश नजर है अमीर कायनात दे गुजरते मस्जिद कूफे चो जनाब कंबर नाल है, बिरादर जनाब कंबर दी निगाह पई एक नमाजी थे, जनाब कंबर देख के फिर मैंने मा रही तो ला राजोलन आहसन सलातन, जनाब कंबर देख के फिर मैंने मौला कितना अच्छा नमाजी है, थोड़ी तवज्जो ही नहीं, थोड़ी तवज्जो ही नहीं, मौला कितना अच्छा नमाजी है, अमीर कायनात फरमाते हैं कि माह या कंबर कंबर चुप थी वन इंदी तारीफ न कर वल्लाहे ला राजोलोन अलाओ यकीने विलायत ना अहलल बैते खैरो अल्फा सनत इबादतन, मेरे मुर्शिद अली फरमाते हैं कंबर ऐसे नमाजियां दी जेड़ा बंदा असादी विलायत ते यकीन रखता है सरकार फरमाते ने ऐसी है ऐसे नमाजियां दी हजार साल दी इबादत तो उंदा एक लम्हे दा यकीन अफजल है।
तवज्जो है मेरी गुजारिश ते वली जमाना राजी रहे जेड़ा सारी विलायत ते यकीन रखदे वो अफजल है। जुमला अगला काबिल तवज्जो है। सरकार ने फरमाया अगर हजार साल इबादत करे ते एक अद्धे नबी दे नहीं, बाबा जी 70 नबियां दे आमाल गिन के आवे ते आखे या रब्बल आलमीन मैं इतना नेकोकार हां जो 70 नबियां दे बराबर आमाल गिन के तेरी बारगाह च आया। हिजाब इबादत च आवाजा सी ये आमाल दी गठड़ी को चेक करो अगर आमाल च अली है। आयो मेरा अल्लाह, आयो मेरा अल्लाह, हैदरी तकबूल वगरना जहन्नम च। मेरा मैसेज ही होए, मेरा पैगाम ही होए, ना अली ये शक करें, न कदें कहें मौलवी दे आखे लग के अली दी विलायत छोड़ें। अली दी विलायत इतनी जरूरी है जितनी तौहीद जरूरी है। अल्लाह उवे ले तई अपनी तौहीद दा इकरार मनेंदा ही नहीं जब तक नाल अली दी विलायत ना पड़ी जावे। अली बचावण वास्ते हुसैन कुछ नहीं बचाया, जितना हुक्म कीते ने मैं उतनी पढ़ना आई। अली बचावण वास्ते मैं फिर आख्या है हुसैन कुछ नहीं बचाया। अकबर दी मौत दा मुक्का होया, जख्मी थी के लथे जीने जुलजना थो, मैं वत पढ़दा जख्मी थी के लथे जीने जुलजना थो। कोशिश की थी कर जदी हुसैन दी मजलिस च आया कर, बावजू हो के आया कर, खैरात पिनी कर मोहम्मद दी जख्मी धी खोलूं, हंजुआ दी खैरात तेरे आखे चो आवण वाले हंजू हैं हुसैन दे जख्म दा इलाज। मैं बड़े जख्मी थी के लते कह मातमी अजदार मेरे को नहीं सवाल कीता मुख्तार कुमी कितने जख्म हैं। बाबा जी एक रिवायत आदि है 1950 जख्म, टू जी रिवायत आदि है 4000 जख्म, त्री जी रिवायत अलामा हसनैन साहब की द कौले और फरमेंदे रहते हैं जितनिया कुरान दियाँ आयातें। आयो मेरा अल्लाह है करन तेरा अगे जितनिया कुरान दियाँ आयातें, कुरान दी 6666 आयत और फरमेंदे रहते हैं बतूल दे पुत्र दे बदन ते इतने जख्म हैं। कदरदानों ते सोनी है की थी अगर इजाजत दे तो मैं सादिक आले मोहम्मद का फरमान पढ़ा। चौथी रिवायत है सादिक आले मोहम्मद फरमैन इतना जख्मी हा मेरा दादा हुसैन, इतने जख्म हैं मजलूम दे बदन जो सजे पासू हवा घुलियाँ जख्मे चू गुजर के खबे लग वेंदी आई। आयो मेरा अल्लाह अजर को मेरा सैयदा खबे पासू भुलिया सजे लग वेंदी आई। जितने हल्के दे मातमी जदार बैठे हो शाला तोरे उठे हो हाथ हुसैन दी जरी नाल मासूमन सैयदादा जुमला में आखा पढ़दा मैं आदरा ना जै लिखे ना जो 1950 जख्म आ, जै लिखे ना जो 4000 जख्म आ, मैं आदरा ना हर कै ठीक लिखे। मैं पहाड़ तो वजनी दलील देवा बदन ते लगे हुए जख्म गिने तो वेले वेंदन जद जख्म दे दरमियान होवे फासला। ए ओ जख्मी है जेंदे बदन ते जिथे तीर दा जख्म है उठाई ने ज़ेदा अजर को मेरा सैयदा शाला तेरे रोमन दी आवाज जन्नतुल बकी तक जावे। जिथे नेजे दा जख्म आ भाई जानो थाई तलवार दा, जेड़ा हल्के दा मातमी है जे मातम दी खातर तेरे हाथ सीने ते आवे ते करबला दी तारीख दे पंजवे गवाह इमाम दा फरमान पढ़ छोड़ा। उन्हें फरमाए कोतला जद्दी बिसैफ वल हिजारत वल खशब, करबला दे मैदान च मेरे दादे हुसैन नु कहे क नहीं मारा, कह तीर मारे कह पत्थर मारे कह नेजा मारे कह तलवार मारी है, जेंदे कुल तीर तलवार पत्थर नेजा नहीं, करबला दी गरम खाक जाके मेरे दादे दे बदन ते सटेंदा। अजर को मेरा सैयदा अली दियां धीयां तुहाडा पुरस कबूल करन जेड़े करबला दे जहर बैठे हो लथत नहर अलकम दे किनारे। बाबा जी फासले मुन्ने किलोमीटर दा
मियां अली दे नाल मत्था सैदात एक जगह मैं पढ़ा ना जो मुन्ना किलोमीटर बड़े अकीदत वाले सैयदन मालिक उन्हां दी जिंदगियां दराज फरमावे। एक सैयद मुंह ते मातम करेंदा है खड़ा हो गया है रो क्या दे मुख्तार कुमी मैं खुद कदम ना पिन 1670 कदम दा फासला है। हाय मेरा अल्लाह हाय मेरा अल्लाह पूरे मजमे ते सवाल है मेरा जेड़ा हाल तक जे है नहीं की थी इस सतर ते है करें जो हुसैन दी मजलूमियत दा गवाह बने किरामन कातबीन को लिखा छोड़े जो मैं हुसैन दी मजलूमियत दी गवाही देंदा बैठा। भाई जान गल औखी है अकबर दी मौत दे मुके होए ने सारे दी दियां लाशां चा चा थके होए ने कदरदानो जख्मी हुसैन ने 1670 आखा यमुना किलोमीटर आखा ये फासला तय किवें कीता है। आयो मेरा अल्लाह जेड़े करबला दे जहर बैठे हो अखां नाल देख आयो अज उत्थे मस्जिद साहिबुज़मान बनी हुई है जेड़े नहीं गए मेरा अल्लाह तक वास्ते मुहम्मद दी धी दी त्रुटि हो या मस्जिद इन्हां करबला दी ज़ियारत जरूर करा ये मेरे बद्दे हुए हत्थां दे रेग मैं तेरी मिन्नत करेंदा सादिक़े आले मुहम्मद फरमाए सारा साल तक नमक ना रोटी खामनी पवे खा मेरे दादे हुसैन दी कब्र दी ज़ियारत अर्ग ना कर जितने बुजुर्ग मातमी आज़ादार सैदात गैरे सैदात बैठे न लत्था नहरे अलकमा दे किनारे मेरे उत्ते कर सवाल जो मुन्ने किलोमीटर दा भाई जान फासला गरीब तय किवें कीते हुण तक मैं कह मातमी आज़ादार दी मिन्नत नहीं कीती ना फजाइल च कीती ना मसाइब च कीती है हुण भर्री जवानी च हथ बन के आदा ई सत्तर ते रोवण ना भी हाय जरूर कर छोड़े जो मुन्ने किलोमीटर दा फासला गरीब तय किवें कीते साडे आलम दीन ने अल्लामा वजीर हैदर नजफी जेको वक्त दा इमाम अपनी ज़ियारत करेंदा उन्हें पढ़े हुसैन दा औखा लाना ते मकतल गाह च पहुँचना एक मातमिया दे अलामा ओ पहुँचे किवें अलामा फरमेंदे मेरे जिगर च ताब नहीं तेरे सवाल दे जवाब नहीं पड़े या सैयदा उनके तक वास्ते हुसैन दे औखे लाण दा मैं कुछ साथ सही जो गरीब करबला हूँ जहाँ ते पहुँचे कि मैं मातमी अजादार मुन्ने किलोमीटर दा फासला तय कि मैं कीते हूँ एक मिनट अस्ते मेरी तरफ देखे मैं इशारा करने अलामा वजीर हैदर नजफी मिंबर ते मातम करना शुरू कीते रो के फरमाने लथे नहरे अलकमा दे किनारे हैं अज उत्थे मस्जिद साहिब ज़मान बनी हुई है ऊँ झा तू भिन के शब पीर दे कुसन आली झा तक गरीब को कातिल औखा खेला है। आय मेरा अल्लाह आय मेरा अल्लाह मातमी दा हक बनदा है करना अली दियां धीयां तेरा पुरस कबूल करें मैं तो इशारे कीते ना जो गरीब को कातिल भाई जान औखा खेना है इतना ही मंग बरगाह दे दरवाजे ते कोई किसे गरीब नादार मिसकीन नु मरेंदा पिया होवे ना पहला कम करे सू छुड़े सू छुड़ावन दे बाद पुछसू तो यारी दा कसूर केड़ा हा जेड़ा हल्के दा मातमी है एक दफा हाथ सर दे लाया मैं सतर पड़ा इतना गरीब आवी मोहरे नबूवत दा सवार इतना गरीब आवी बतूल दी झोली दा पल्ला गैरत मंद आजादार कातिल बेदर्दी नाल गिदी आंदे 9 लाख हसदा पी है ओ अकबर दे बाबे नु छोड़ावण आला कोई ना अजर को मेरा सैयदा अजर को मेरा सैयदा अली दियां धीयां तेरा पुरस कबूल करें शले हाथ जमाने दे कह रजील दे मोहताज न होवेन आखरी सत्र मेरी तमहीद दी एक वैन करके मिंबर में भाई को देवा मातमी हो इडू गरीब मकतल च पहुंचे मैं वक्त दा गरीब मकतल च पहुंचे तू किवें है न कर डा मुहर्रम दे दी जिते शब्बीर कुठे ना ऊ जगत जेड़े पत्थर लगे हुए उन खून जारी थी एडो हुसैन दी 4 साल दी धी फुफी दे कोल आईए आदि अम्मा इजाजत दे मैं बाबे को मिलन में दिया। आयो मेरा अल्लाह अली दियां धीयां तेरे पुरस कबूल करें मातमी अलदार मैं तो इवें पढ़े खुलासतुल मसाइब दे अंदर जो दामन छुड़ा के हुसैन दी 4 साल दी धी मकतल चाहिए ते क
कच्छी दे मुकद्दमीन पढ़ते रहते हैं अजीब मुकद्दर हुसैन ते हुसैन दी धी दा धी मिलन गई है तो प्यू दी मुक गई है शाम दे जिंदान च प्यू मिलना है तो वत धी दी मुक गई है अज रखो मेरा सैयदा भाई जान थोड़ा जितना आवाज बारीक करके ई को देसो मैं एकदा आवाज खुले सो मौला तो को रिस्क के वसी देवे मातमी अजादार पीऊ को मिलन वास्ते टुरिए मैं को पता है ओ खतीब वाए जाकिर कैसा है जेड़ा मजमा शनास ना होवे थोड़ी अकीदत नु करोड़ा सलाम है मैं नफीस दिया इशारा करना है भाई जान ढेर सारा मरियम करबला रुखसारा ते हजर रिसालत किधर है या सैयदा बैन करके रोना जहरा दिया धिया दी सुन्नत है ओ मातमी अजादार ते पियो ते खोल आई है शरीफ अजादार इडु शिमर कमीने अंगल दे ते मासूमा दी यतीमी दा समान ले रहंदा है ते जदा गरीब करबला दे कोल है ना ई जालिम दी आवाज आंदी हुसैन कहंदे नाल गल्ला बैठ करे ना रुने जहरा अद पुत्र शबीर दी आवाज आंदी कमीना औखे वेले धियां कोल आंदी है आयो मेरा अल्लाह जालिम आदे हुसैन धीक तू आप टोरे ने या मैं टोरा गरीब चार साल दी धी तो मुखातिब है शबीर दियां अखां सामन दे बदलार वसदियां पईयां हैं उच्चा रो क्या दे मासूमाए बहु वडा ज़ालिम या सैयदा बीबी दी आवाज आंदी है मैं ते जे साबिर मां दे धीआ भाई जान अल्लाह गवाही ज़ालिम ने धीर सामने चार करबला दी नगरी हली है शादा दी लाशा तड़पी है जेड़ा हल्के दम आदमी बैठे एक दफा हद सर्द लिया मैं रिवायत बनाई जालिम ने पहला कम भाई जान केड़ा की दे सैब लहूफ ने लिखे वाला दमाला खदल हुसैन जालिम ने बोसा गाए बेहरमती की दी यास की अदा वत जालिम ने गरीब दिया जुल्फ हाथ पाया है जीवे जो हुसैन दी धी डेडी खड़ी आई रो रो क्या दिया हाथ कड मेरे प्यो दिया कबाल करें मैं नौकरा इंदे बदले भाई जान अगला वेल पड़दा इस जालिम ने त्रीजा कम केड़ा कीते इस जालिम ने धीद सामने प्यादे गलते जरबा मारनी शुरू की दिया ओ जवानी नसीब भी हुसैन दी धी फुराद दौड़ी है रो रो क्या दिए प्यासाया गड़ गड़ कताल करे मैं ओ मेरे प्या को शमार कमीना हर जरब दे देदा या सैयदा अली दियां धीआं तेरा पुरसा कबूल करे जेड़ा हल्के दम आदमी है इत्थां ही मेरे नाल रल के इक दुआ मंगा मंद आदार कदाई मकतूल नू कातिल दी मिन्नत ना करनी पवे एक मिन्नत भाई जान हुसैन की दी है भाई मिन्नत हुसैन दी चार साल दी धी की दी है जड़ा जालिम पंजवी जरब मारी है शबीरा दे हिक लाजा मैनो हाय वो कताल न कर वाले मेरा नाना गया है मेरा नाना गया वे जो मकदाल दे हिन धी अब
ਪਣੀ ਹੈ ਕੋ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਰ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਪੜਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਸ਼ਦੇ ਹਾਏ ਵੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਮਿਸਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਵੜੇ ਯਾ ਸਯਦਾ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਏ ਵੋ ਕਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਛੋੜ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਤਲ ਸੱਤਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕਾਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮਿੰਨਤ ਤੇਰੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ ਚਲੇ ਇੱਕ ਜਾਮ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਕੀ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾ ਚਲਾ ਖੰਜਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇ ਗਲ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ